दोपहर का करीब 1 बज रहा था। मुस्कान खाना खाने के बाद घर पर आराम कर रही थी। उसकी नज़र घड़ी पड़ गई तो बिस्तर से उठकर फटाफट तैयार होने लगी। उसने धानी रंग का टॉप और काले रंग का स्किन टाइट जींस पहनी तो उसका खूबसूरत बदन और भी खूबसूरत लगने लगा। कपड़े पहनने के बाद जब उसने अपने आईने में अपने आप को निहारा तो खुशी से फूली नहीं। समाई यह उसकी आदत में भी शुमार था कि रोज आईने के सामने अपने संगमरमरी बदन को देखकर एक बार दिल से मुस्कुराती थी। वह तैयार होकर घर से उस स्थान की तरफ निकल गई। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और एक लाइक ज़रूर करिए। जहाँ वह रोज अपने प्रेमी सारिक उर्फ सेट्टी से मिलती। दोस्तों कहानी बनाने बहुत मेहनत लगती है, आप लोग कृपया एक लाइक ज़रूर करें प्लीज। थी जब वह उस स्थान पर पहुंची तो सारिक वहां पहले से बैठा था। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था। मुस्कान चुपचाप सारिक के पीछे पहुंची। और उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। यह देखकर पहले तो सारिक डर थोड़ा मत करिए आप हड़बड़ाया, लेकिन मुस्कान के हाथों को छूकर वह जान गया कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी मुस्कान है।
उसने मुस्कान के हाथों को अपनी आँखों से हटाया तो वह उसके सामने आ कर खड़ी हो गई। उसकी खूबसूरती देखकर सारी की आँखों में अलग तरह की चमक आ गई। क्या बात, है मुस्कान आज तो तुम बिजली गिरा रही हो। धत लगता है आज तुम ने मुझे बेवकूफ बनाने का इरादा कर रखा है। नहीं, मुस्कान, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा, तुम तो हीरा हो और हीरे की चमक को सिर्फ जौहरी ही जान सकता है। अच्छा जौहरी साहब, आप ने इस हीरे की पहचान कर ली हो तो अब जरा यह भी बता दीजिए कि यह हीरे की चमक है या कुछ और। मुस्कान उस से नजर मिलाते हुए बोली, यह खूबसूरती और चमक खालिस हीरे की ही हो सकती है, लेकिन इस जौहरी ने अगर अपना जौहर हीरे पर दिखा दिया तो इस हीरे की खूबसूरती और चमक दोगुनी हो जाएगी। शारिक, ने मुस्कान की आंखों में आंखें डाल कर प्यार से कहा,
तो मुस्कान को भी उसकी बात की गहराई समझने देर नहीं लगी। मुस्कान अपनी पलके झुकाते हुए बोली, इस हीरे की चाहत सिर्फ तुम हो। इतना कहकर उस ने आंसू भरी नजरों से सारिक की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।